हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको एक नई रेसिपी बताने वाली हूँ, वो है चिकन पॉपकॉर्न रेसिपी। दोस्तों, मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहें, इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स एंड तक देते रहूँगी मैं, आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। दोस्तों, चिकन पॉपकॉर्न के लिए मैंने आधा किलो चिकन लेके हूँ, ये देखिए ऐसे पीसेस लेके हूँ। इसमें बोन आ गया है, थोड़ा बहुत आ गया है तो कोई बात नहीं, हम उसको कट कर लेंगे पीसेस बारीक बारीक से। उसको कट करने का तरीका ऐसे है, ये देखिए, ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट लें। पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न जैसे ही पीसेस काटेंगे हम, ठीक है? अभी मैं पूरा कट कर बताऊंगी ऐसे ही पीसेस। देखिए दोस्तों, पीसेस बना ली मैं, ये अभी मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट, अभी डालूंगी थोड़ा काली मिर्ची का पाउडर, अभी डालूंगी मैं चिल्ली पाउडर, थोड़ा ज़्यादा ही डालें क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस करना हो तो हम मिर्ची कटा थोड़ा ज़्यादा डालें। अभी डालेंगे हम धनिया पाउडर, धनिया पाउडर बिल्कुल भूलना नहीं, पॉपकॉर्न के लिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी डालेंगे हम थोड़ा सा ये है मेथी, थोड़ी सी डालें। अब इसको अच्छी तरह से मसलें, ऐसे ऐसे मसलना पड़ेगा आपको, ऐसे ही मिला लें, चम्मच से मिलाकर ऐसे तलें ऐसा नहीं अच्छा लगेगा, इसको मसाला पीना है तो ऐसे मस लें, ऐसे झटपट में बन जाएगा दोस्तों पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न बहुत ही टेस्ट लजीज लगेगा आपको। मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे ही फॉलो करें, एंड तक देखते रहें वीडियो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, टिप्स मैं देते रहूँगी। डालेंगे हम थोड़ा सा विनीगर, चिकन को विनीगर गलाता है इसलिए हम विनीगर डालना ज़रूरी है और टेस्ट भी आएगा। ये हम डालेंगे इसमें ये अंडा, आप चाहे तो सफ़ेदी डाल लें, मैं पूरा अंडा फुल अंडा डाल रही हूँ दोस्तों, होल एग। इसको अच्छे से मिस लें, मैं जितने चीज़ें डाली इसमें सब डालना चाहिए, स्किप ना करें, सब चीज़ें घर में मिल जाएंगी आपको आराम से। अभी हम इसको साइड में रख देंगे एक 20 मिनट के लिए, तब तक हम दूसरा बनाएंगे और एक इसके कोटिंग बनाएंगे, इसकी कोटिंग बताती हूँ दोस्तों। दोस्तों, सेकंड प्रिपरेशन के लिए हमको चाहिए, ये देखिए मैंने घर में बनाकर रखी हुई हूँ ब्रेड क्रम, और थोड़ी सोजी ले लें, एक दो स्पून सोजी तो चार स्पून ब्रेड क्रम ले लें, और पोहा का पाउडर यानी कि चुड़वे जो बोलते हैं उसका, ये देखिए चुड़वे, इसका पाउडर बना लें मिक्सर जार में तो ऐसे हो जाएगा, और थोड़े से कसूरी मेथी ले लें। अभी हम इसके अंदर एक बाउल में डालेंगे ये, ये थोड़ा रख रही हूँ मैं अभी सेकेंड स्टेप के लिए, ऐसे मिक्स कर लें, अभी ये भी डाल दें। अभी हमारा जो चिकन मैरिनेट होके है, प्रिपरेशन होके है ये फर्स्ट, ये देखिए इसको ऐसे एक एक पीस उठाकर इसके अंदर ऐसे डाल लें, ऐसे एक एक सिंगल एक एक पीस डालें, देखिए ऐसे मिक्स कर लें, ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे कर लें ऐसे। अभी क्या करेंगे हम, थर्ड कोटिंग है दोस्तों, थर्ड कोटिंग यानी कि ये देखिए अब हमारा मैजिक ये है, इसके अंदर एक डिब्बे में डालेंगे हम थोड़ा सा मैदा, एक थोड़ा सा मैदा डाल लें, अभी ये पीसेस जो हैं वो उठाकर इसमें डालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कवर करके इसको हिलाएंगे ऐसे, यानी कि इसका ये मतलब है कि चिकन के पीसेस के अंदर तक ये आटा लग जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से टेस्ट आएगा इसका। ये देखिए दोस्तों, अंदर तक चला गया है हमारा मैदा, अब ऐसे एक एक पीसेस उठाकर ऐसे रख लें,
चाहे तो आप बड़े पीसेस में कबाब में भी बना सकते हैं, सेम ही यही रेसिपी है। देखिए ऐसे कितनी अच्छी अंदर तक गया है आटा। अभी हम इसको एक एक करके गरम कढ़ाई में डालेंगे तेल में। कुछ नहीं किए दोस्तों हमने, आप कॉम्प्लेक्स ना कर लें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस गोश्त के छोटे छोटे पीसेस लिए चिकन के, हम जो मैरिनेट किया हमने वो बताई मैं, प्रिपरेशन फर्स्ट और सेकेंड प्रिपरेशन, जो हमने ब्रेड क्रम, पोहा और थोड़ा कसूरी मेथी सोजी डालकर मैंने सेकेंड प्रिपरेशन कर ली। और थर्ड प्रिपरेशन वही जो हमारा मैजिक है, आटा थोड़ा मैदा ले लें, डिब्बे में डालकर हिला लें ऐसे ऐसे ऐसे, बस इतना सा। ये देखिए दोस्तों अंदर तक गया है मसाला, ऐसे कर लें बस। कुछ नहीं, अभी हम कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, अभी हम एक एक पीस करके डालेंगे। ये देखिए ये ऑयल गरम हो गया है, हम सिंपर कर लेंगे, अभी एक एक पीस करके डालेंगे ऐसे। एक दो मिनट इसको टच नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करना है हमारे चिकन के पॉपकॉर्न को। देखिए सोंधी सोंधी स्मेल आ रही है, अभी हम उसको हिलाएंगे, यानी कि 30 सेकेंड से एक दो मिनट तक उसको छीना नहीं है दोस्तों, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो, नहीं तो देखिए अभी मैं एक 30 सेकेंड हो गए हैं, अभी मैं इसको हिलाऊंगा ही ऐसे करके हिलाएंगे। तो सिंपर इसलिए रखी हुई हूँ मैं, क्योंकि ये अंदर तक जाके उसको पकना है, चिकन को पकाना है, इसीलिए हम सिंपल रखेंगे। ये देखिए ऐसे देखिए, तो इसका मतलब ये है 60% पक गया है। अभी हम थोड़ा आराम से उसको पकाएंगे तो 40% भी पक जाएगा। देखिए दोस्तों तैयार हो गए हैं अभी हमारे चिकन पॉपकॉर्न, देखिए देखिए वाओ वेरी नाइस। अभी हम इसके देखिए दोस्तों क्रिस्पीनेस देखेंगे अब हम। वाह देखिए तैयार हो गया है खाने के लिए, मैं अभी तलूंगी और प्लेटिंग करके बताऊंगी। चिकन पॉपकॉर्न बन गया है, अभी हम एक डिप बनाएंगे, ये सीक्रेट डिप है। ये देखिए मैंने लेके हूँ तंदूरी मेयोनीज, आप घर में भी बना लें, मैं बताऊंगी वो भी एक रेसिपी डालूंगी। अभी मैं थोड़ा ये डाल रही हूँ इसमें केचप, केचप जो बना हुआ रेडीमेड आता है वो, या मैं घर में बना कर रखी हुई हूँ ये केचप, ये डाल लें। अब थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल लें, अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, ऑलिव ऑयल डालना मत भूलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होता है चिकन पॉपकॉर्न के लिए। ये देखिए ऐसे मिक्स कर लें, देखिए खाने के लिए तैयार हो गई है प्लेट हमारी। अभी मेहमान आएंगे तो थोड़े टाइम में बनाकर दे दें। तो दोस्तों मज़ेदार चिकन पॉपकॉर्न तैयार हो गई है, ये देखिए एक बाइट तो बनता ही है, मैं लूँगी। ये देखिए अभी देखेंगे, आहा ये देखिए ऊपर से कितनी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से मॉइस्ट है दोस्तों, मज़ेदार लजीज लग रही है। अभी तो मैं एक पीस ले ही लूँगी, ये देखिए एक बाइट, बड़ी ख़तरनाक बनी है दोस्तों, बड़ी ख़तरनाक मज़ेदार लजीज बनी हुई है दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं जैसे बताई वैसे ही फॉलो कीजिए दोस्तों। ये मज़ेदार इसलिए हुई है क्योंकि इसमें प्यार छुपा हुआ है, क्योंकि कुकिंग जो है वो एक फन है दोस्तों, प्यार मोहब्बत की एक डिश है दोस्तों। इसका मतलब ये कह रही हूँ मैं, ये पॉपकॉर्न ये ठंडी में इतनी अच्छी लगेगी कि ये बनाकर घर वालों के साथ सबके साथ बैठकर मिल बांटकर खाएं तो बड़ा मज़ा लगेगा दोस्तों, इसीलिए मैं कह रही हूँ। मुमताज़ के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, और कमेंट्स करके बताएं कि ये रेसिपी कैसे लगी आपको, तो और मैं सारे बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आ रही हूँ आपको।